होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज है थर्सडे यानी कि गुरुवार, और बंगाली में बोलते हैं बृहस्पतिवार। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो आपने पहले ही देखा मैंने एक केक बनाया, तो आप सोच रहे होंगे कि केक मैंने क्यों बनाया, तो उसका एक रीज़न है। तो आज है हमारी ऑफिशियली यानी कि रजिस्ट्री मैरिज हुई थी, तो आज हमारी एनिवर्सरी है, 5th एनिवर्सरी। तो आज के दिन ही हमने मतलब रजिस्ट्री किया था, मतलब लीगली रजिस्ट्री किया था। उसके 10 महीने के बाद हमारी मैरिज हुई थी। तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, बस हम खुद ही में थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बाहर के किसी को नहीं बुलाते, बस हम फैमिली में ही, बस कि मेरा, मैं खुद खुद बनाती हूँ केक, और बस कटिंग होता है और थोड़ा बहुत अच्छा खाना बनता है, बस दैट्स इट। तो मुझे लगा क्यों ना आज एक ब्लॉग बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए कि मैं इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। वैसे तो मैं हर साल सेलिब्रेट करती हूँ बट कोई ब्लॉग नहीं बनाती, तो मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और आज बज रहे हैं अभी सुबह के 6:30। तो मैं सुबह उठ, मैं मेरा कल ही केक बनाने का प्लान था, बट मैं केक नहीं बना पाई क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स थे नहीं। तो मेरे हस्बैंड जब रात को ऑफिस में उनको थोड़ा बहुत काम पड़ गया था ज़्यादा, तो वो रात को 8:30 बजे आए हैं। तो रास्ते में वो सामान लेके आए हैं जो जो केक के लिए इंग्रेडिएंट लगता है, तो वो रात को लेके आए थे। तो मुझे लगा कि चलो सुबह ही बना दूँगी, रात को फिर बनाने का मेरा मूड भी नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सुबह उठते ही सबसे पहला काम केक बनाया है। तो केक अभी बन चुका है, बस ठंडा होने के लिए रखा है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि केक कैसा बना है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मेरा केक ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। निकल गया है, तो ये रहा मेरा बढ़िया सा केक। अभी श्री सो रही है, जब वो उठेगी तब हम केक काटेंगे। फिलहाल अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो ब्रेकफास्ट में आज हम खाएंगे आलू का चॉप। अगर आपने आलू का चॉप का वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक लगा दूँगी, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने आलू के चॉप बनाए हैं। और साथ में पफ्ड राइस यानी कि मूढ़ी, तो ये बंगाली डिश है, तो यही आज खाएंगे, साथ में मिल्क होगा और सैलेड होगा। तो यही है आज हमारा रेसिपी सुबह का ब्रेकफास्ट। तो फिर चलो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं। प्रिया अभी उठ चुकी है, तो उसके पापा उसे पूरी तरह से उठाने के लिए उसकी मदद कर रहे हैं। श्री गुड मॉर्निंग बोलो, तका तका गुड मॉर्निंग। इस साइड ताकि है बोल, गुड मॉर्निंग। तो उसने आप सभी को गुड मॉर्निंग कह दिया है, तो तुम ही बोले थे गुड मॉर्निंग, तो उन्होंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया है। तो चलो अब ब्रेकफास्ट करके श्री को रेडी करके उसके बाद मिलते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले केक काटा है जैसे कि आपने देखा, और अभी बज रहे हैं 9:45। तो अब मैं जाऊंगी लंच बनाने, तो लंच में क्या बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो वेदर देखिए, आज क्लाउडी वेदर है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, और धूप भी नहीं निकली बट वेदर बहुत ही हॉट टाइप का हो चुका है। तो देखते हैं, लगता है थोड़ी देर या दोपहर के टाइम को बारिश हो सकती है, तो चलो देखते। तो श्री के पापा उसके लिए ये ट्रेन लेके आए हैं, तो फिलहाल अभी मैं नहीं चला रही, शाम को मैं चलाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ये कैसा चलता है। दोपहर के 2:10,
तो मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, हमने भी लंच कर लिया है, हम सभी ने मिलकर एक साथ ही लंच किया था। उसके बाद अभी मेरा मेन टारगेट है श्री को सुलाना, वो मेरे आसपास घूम रही है। जैसे श्री श्री यशो तो सुबह के हेलो बोले दाओ। तो ये रे श्री, मेरा सबसे मेन टारगेट है, इसे पहले सुलाना, क्योंकि अगर वो नहीं सोएगी तो मेरा कुछ भी काम नहीं होगा। तो आज मेरे हस्बैंड की 2 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी है, तो फिलहाल हम दोनों अकेले ही रहने वाले हैं। हस्बैंड आएंगे 10 o'clock, और उसके बीच में मैं क्या कर करती हूँ मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और फिलहाल वेदर ऐसा है कि लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ कि वेदर कैसा है। तो स्टे ट्यून, बाय 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 वेदर। तो देख सकते हैं बाहर का वेदर बिल्कुल क्लाउडी टाइप सा हो रखा है, लग रहा है कभी भी बारिश हो सकती है। तो देखते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बारिश होने से थोड़ी बहुत ठंडी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो ठंडा वेदर होगा, तो बारिश हो जाए बस, ज़्यादा ना हो, बस ऐसा हो कि ठंडी ठंडी हवा चलने लगे बस। और ज़्यादा बारिश होने से भी बस भैया बहुत मुश्किल हो जाती है फिर तो। तो देखिए बारिश गिरनी शुरू हो चुकी है, और बहुत अभी से ही ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो चुकी है। अच्छा लगता है ना जब बारिश होती है, चारों तरफ को ग्रीन 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 व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं अनसक्सेसफुल हो गई अपनी बेटी को सुलाने के लिए। श्री देखो मेरे साथ ही खड़ी। श्री 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 हेलो बोलो, हेलो। तो वो भी नहीं सोई, मैं उसे बहुत कोशिश किया मैंने उसे सुलाने के लिए, बट वो नहीं सोई। और तभी तो बारिश भी हो गई, और बहुत जोरों जोरों से तूफान टाइप सा होने के बाद बारिश शुरू हुई। तो चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। रेन हो रहा था, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, तो अभी बारिश बंद हो चुकी है, और वेदर भी अभी भी क्लाउडी टाइप का ही रह चुका है, अंधेरा हो चुका है। तो हमारे यहाँ पे 6:30 शाम हो जाती है, एकदम अंधेरा टाइप सा हो जाता है। तो अभी तो लाइट बहुत कम आ रही है, इसीलिए वीडियो में भी आप देख सकते हैं लाइटिंग बहुत कम है। तो वो सो गई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रिफ़्रेश हो जाएगी। सुबह वैसे आज वो बहुत देर तक सोई है, 8:30 बज रहे थे तब तक वो सो रही थी। और बस ऐसे ही चलता रहा आज का पूरा दिन, बिजी 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 नहीं, बस इंटरेस्टिंग। और हस्बैंड भी थे आज, उनका ड्यूटी आज 2 बजे से था, तो वो भी थे कंपनी देने के लिए, और मुझे श्री को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो घर में अलग काम, मतलब कि किचन का काम करते करते मुझे श्री को देखना पड़ता है, वो क्या कर रही है, उसे उसके साथ थोड़ा सा खेलना पड़ता है, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, साथ साथ काम भी चलता है। तो आज उसके उस तरफ से मेरे को बिल्कुल, मैं फ्री थी क्योंकि उसके पापा थे, तो उसके पापा ही उसे कंपनी दे रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, मज़ा कर रहे थे उसके साथ, तो अच्छा लगता है ये सब। अभी बज रहे हैं 6:40, तो श्री अभी तक नहीं उठी है, तो मैंने उसे उठाने की कोशिश की, बट वो रोने लग रही है, मतलब उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, इसलिए वो नहीं उठ रही है। तो वो जब तक नहीं उठती है तब तक मैंने अपनी चाय बिठा दी है, तो अब मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा टीवी देखूँगी, और उसके बीच में अगर वो उठती है तो अच्छा है, तो उसके साथ थोड़ा सा खेलूँगी, क्योंकि बाहर का वेदर तो अभी भी लग रहा है बारिश आ सकती है, इसीलिए मैं आज उसे पार्क में नहीं ले जा सकती। तो बस यही होगा। तो श्री उठ चुकी है, मतलब उठी है थोड़े 10-15 मिनट पहले उठी है, मैंने उसे, वो उठी थी 7:15 में उठी थी, अभी 7:30 हो रहे हैं। तो मैं, वो उठने के बाद मैंने उसे हॉर्लिक्स बिस्कुट दिया दूध के साथ, उसने वो खाया है, और अभी वो निक में निंजा हथौड़ी देख रही है, और उसका एक फ्रेंड आ रहा है उसके साथ खेलने के लिए हमारे घर में। तो अगर मैं वीडियो बना सकूँ तो ज़रूर मैं बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं दिखा देती हूँ श्री क्या कर रही है। तो ये रही श्री बैठी हुई है। श्री हाय बोलो, श्री सना,
अभी वो उसका मूड नहीं है हाय बोलने के लिए, तो चलो अगर देखते हैं उसका फ्रेंड जब आता है, अगर मैं वीडियो बना सकती तो ज़रूर बनाऊंगी, तो फिर मिलते हैं। अभी बज रही है रात के 9:10, तो मैं अभी डिनर बनाने जाऊंगी। श्री का दोस्त आया था, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं और उन्होंने बहुत मस्ती की है, दोस्त भूख भी लग गई है, इसीलिए मैं जल्दी से बना लूँगी। और उसके पापा आएंगे 10 बजे के करीब आएंगे, तो मैं उसे पहले ही खिला दूँगी और मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ ही खाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कब सोते हैं, तो मैं आपको अपडेट देती हूँ पहले उसके लिए। अभी बज रहे हैं रात के 11, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिनर कंप्लीट करके एंड देन सब कुछ काम मैंने रसोई का सब ठीक कर लिया है, निपटा लिया है। और मेरी बेटी को भी नींद नहीं आ रही है, उसके पापा बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उन्हें नींद आ रही है, बट मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है, वो टीवी चला के बैठी हुई है। तो अभी मैं जाऊंगी और उसे सुलाऊंगी, और बस यहीं पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। और आज का दिन ऐसे ही चला गया, तो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मुझे मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी के लिए क्या दिया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और पास के बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और सबसे बड़ा बात है आज बहुत बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो पता नहीं रात भर लगता है बारिश चलेगी, और वेदर बहुत ठंडा हो चुका है, मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया है, इतनी ज़्यादा ठंडा हो चुका है वेदर, तो घर भी बहुत ठंडा हो गया, पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है। तो दैट्स इट, बाय बाय।